सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 30 जून को मुख्यालय पर प्रस्तावित दौरे और ईद उल अजहा त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बुधवार को एसपी धर्मवीर सिंह ने नवग्रह मेला मैदान पर होने वाली सभा से पहले वीआईपी ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी ड्यूटी जहां लगाई है उसे निर्देशों का पालन करते हुए शांति से कार्यक्रम संपन्न हो इसका ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य वीआईपी के आवाजाही मार्ग, मंच पर पहुंचने सहित अन्य व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। एसडीओपी राकेश शुक्ला ने बताया कि सीएम की सभा और बकरी ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिले में पर्याप्त बल तैनात है। करीब 700 से अधिक पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। बाहरी बल भी जिले में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मुख्यमंत्री महोदय और माननीय लड्डा जी का जो बड़ा कार्यक्रम खरगोन में होना है, आज उसी वीआईपी ड्यूटी के लिए और जो कल ईद का त्यौहार है उसके लिए एक बैठक सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी की पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मवीर सिंह साहब द्वारा आहूत की गई थी। उसमें डिस्कशन हुआ है किस तरीके से हमको निर्विघ्न ये कार्यक्रम निपटाना है, किस तरीके से आगामी त्योहारों में व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होंगी। ये जो कार्यक्रम है ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए इसको सुचारू रूप से इसको संचालन करने के लिए पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों को, एसडीओपी साहबान को बुलाया गया था और समुचित निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल कितना बल है और कितना अतिरिक्त बुलवाया गया? करीब इसमें पूरा मोटा मोटा करीब 700 आदमियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाहर से भी हमको बल प्राप्त हुआ है, काफी संख्या में जियोज और कुछ कंपनियां प्राप्त हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।